पास कराना है, पास नॉट फ्रॉम एग्जाम, उसको लर्निंग दिलवानी है, तो बाकी बच्चे मेरे हिसाब से अपने आप उसकी लाइन में आ गए थे। इसमें मेरे को एक और स्टोरी है, जैसे मैं आगे आऊंगा इससे, ठीक है, व्हेन आई वाज टीचिंग माय टीचर, सो देन इट कम टू इट, वर्चुअल लर्निंग क्या है? वर्चुअल लर्निंग इमर्सिव लर्निंग एक्सपीरियंस। अब आप खुद ही ढूंढ कर चीजें पढ़ सकते हैं, खुद ही लर्न कर सकते हैं और वर्चुअल मैनर में लर्न कर सकते हैं, जिसको अगर मैं कहूँ कंप्यूटर क्लास में सिमुलेशन कर रहे हैं। तो जैसे कहें कि सबसे पहली चीज आओगी लर्न करने के लिए रॉकेट साइंस, बहुत बहुत एग्जाम्पल दिया जाता है ना, दिस इज नॉट अ रॉकेट साइंस, ये रॉकेट साइंस नहीं है, ये तो बहुत सारी चीजें पढ़ने हैं। इवन रॉकेट साइंस वर्चुअली सीखी जा सकती है, वर्चुअली आपको रॉकेट उड़ाने की जरूरत नहीं है, आप सिमुलेशन से रॉकेट चलाना या रॉकेट उड़ाना, इवन प्लेन उड़ाना सीख सकते हैं, दैट इज वर्चुअल लर्निंग। बहुत से जो पायलट होते हैं, आप सोचो हम लोग ड्राइविंग करते हैं और गाड़ी ठोक देते हैं, कोई पायलट प्लेन में ड्राइविंग करते हो गाड़ी ठोक दे, यानी प्लेन ठोक दे, हो गया काम है ना। तो उनको लाजमी कैसे सिखाया जाता है, सिमुलेशन के थ्रू, वर्चुअल लर्निंग के थ्रू। वर्चुअल लर्निंग इज वेयर दे लर्न इन अ गेमिंग साइड मैनर, ये ना, जैसे अब ये भी इनफैक्ट डिस्ट्रैक्शन हुआ करता था हमारे जमाने में, गेम यूज टू बी डिस्ट्रैक्शन, कि तुम पढ़ नहीं रहे हो, गेम खेल रहे हो, लाइफ खराब कर लोगे अपनी। आज से अगले 5 साल में गेम्स आर गोइंग टू जनरेट द मोस्ट अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, आप लोगों ने सुना भी होगा पबजी वगैरह जो गेम्स हैं, जो बहुत ज्यादा एज अ कंपनी बहुत ज्यादा खेले जाते हैं, बहुत ज्यादा एंगेज रहते हैं, सब चीज का होता है, बहुत ज्यादा लाइफ भी खराब होती है डेफिनेटली, बट देन अ पर्सन हैज टू डिसाइड व्हाट दे वांट टू डू। सो वो डिसाइड मैनर में वर्चुअल लर्निंग भी हो सकती है, वर्चुअल लर्निंग आप प्लेन उड़ा सकते हो, छोटी चीजों की जानकारी डाल सकते हो, ठीक है, आप वर्चुअली एक अपनी सीट पर बैठ के किसी तरह चेयर में बैठ के वीआर लगा के आप प्लेन उड़ाना सीख सकते हैं, उससे ज्यादा बेस्ट क्या होगा। उसमें करना क्यों है, क्यों वर्चुअल लर्निंग, वर्चुअल लर्निंग इसलिए जरूरी है क्योंकि लॉकडाउन हो गया है, हम लोग स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए वर्चुअल लर्निंग जरूरी है, इसको बच्चों को पढ़ाएं, नहीं, वर्चुअल लर्निंग अगर आप जा भी पाएंगे तो भी वर्चुअल लर्निंग जरूरी है, क्योंकि वर्चुअल लर्निंग से जो बच्चा सीखता है वो स्कूल में कॉलेज में जितनी पढ़ाई हो जाए शायद उससे कम होगी, क्योंकि वर्चुअल लर्निंग इज वेयर द पर्सन इज सेल्फ मोटिवेटेड, खुद अपने मोटिवेशन से बच्चा सीख रहा है जो सीखना चाह रहा है, एंगेजिंग, क्योंकि वर्चुअल लर्निंग में खुद टाइप करके खुद क्वेश्चन आंसर करके और फिर सीख रहे हैं। अब यहाँ पर आप लोग टाइप कर रहे हैं, आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन पूछे और मैंने आंसर दिए, तो वो एंगेजिंग फॉर्मेट है लर्निंग का। फुल स्पीड यूट्यूब से मैं कोई चीज सीखना चाह रहा हूँ तो मैं वो वीडियो कभी भी पॉज कर सकता हूँ, कभी भी प्ले कर सकता हूँ, उसके मटेरियल पढ़ सकता हूँ रात के 12 बजे, सुबह के 4 बजे, जब मुझे अच्छा लगे ठीक जाए, ये इम्पोर्टेंट है। कब सीखें, सुबह 7 बजे स्कूल आना इम्पोर्टेंट है क्या या नहीं, वो एक डिफरेंट चीज है। तो 7 बजे स्कूल आना शायद डिसिप्लिन के लिए जरूरी है, लेकिन 7 से 12 में भी शायद आप पढ़ ना पाओ और आप मिस कर जाओ, तो शायद आप 12 से 7 में उसके बाद खुद से पढ़ के बच्चे लर्निंग के थ्रू सीख जाओ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। द एसेंस इज फाइंड अ क्यूरियोसिटी इन द स्टूडेंट, क्यूरियोसिटी क्या चीज है, वो क्यूरियोसिटी हमें मिल पाए और उसके बाद आप जो सीखना चाहते हैं, यू जस्ट सर्च हाउ टू डू एनीथिंग, एनीथिंग, यू सर्च हाउ टू डू एनीथिंग एंड द सॉल्यूशन इज जस्ट वन क्लिक अवे। तो टीचर मतलब गूगल बड़ा, तो टीचर इस समय अवेलेबल ही नहीं है, अफकोर्स गूगल का मटेरियल आता है जो मल्टीपल टीचर्स के थ्रू ही आता है या एक्सपीरियंस के थ्रू आता है, बट थिंग इज कि अवेलेबल है सबके पास। तो आप जो फैक्ट्स बता रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप उसको गाइड करें, मोटिवेट करें, प्रोसेस बताएं कि तुम ये सीख सकते हो अपने आप, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये मेरा उसमें ओपिनियन है। टीचर टीचर तो मुझे शक्ल